अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबका। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी खुश हैं, मज़े में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है। और सो के उठ गए थे, शाम का टाइम था, आई थिंक 5 बजने वाले थे और भूख भी लग रही थी, तो हम लोगों ने बाहर ऑर्डर दे दिया था और बाहर ही टेबल चेयर्स लग गई थी, तो अब हम खाना खाने लगे हैं। ये है जी चिकन कढ़ाई। हमने ज़्यादा ऑर्डर इसलिए नहीं दिया कि अभी सो के उठे थे तो इतनी ज़्यादा वाली भूख नहीं थी। उठो भाई चले। मुझे रूम में बिखरा हुआ कुछ भी पसंद नहीं है, तो मैंने उठते ही पहले ब्लैंकेट ठीक किए और ख़ुद फ्रेश हुई, बच्चों को फ्रेश किया, ये लोग सब तैयार हुए, हम लोगों ने बाहर आके खाना खाया। और अब हम सबसे पहले जाएंगे, यहाँ पर दो दरबार हैं, वहाँ चलते हैं और मज़ीद डिटेल मैं आपको साथ साथ देती रहूँगी। अनम कह रही है मरी की याद आ रही है हमें। मुझे ये लोग काट के बाग में। हाँ, और ये क्या है, इतनी बोतलें जो यहाँ पे रखी हुई है, शायद है, शायद बाकी ओरिजिनल है। हाँ, इनके पास ये दो नंबर ये भी देते हैं, लेकिन ओरिजिनल भी यहाँ मिलती है। अब हम जा रहे हैं जी जे लिफ्ट की तरफ। यहाँ कलरकहार में मेरे अब्बू की सीमेंट फैक्ट्री में जॉब थी और ये जो ट्रक एक उलट गया था सीमेंट फैक्ट्री का ही था, अब इन लोगों ने सीधा कर लिया था। ये हम पैदल चल के गए थे उस टाइम में, अब इतना चला नहीं जाता, मोटे हो गए सारे हैं। ये है जी मार्बल की लकड़ी के शॉप्स, सही निकल आए अब्बू। हल्की धूप भी है, देखो मिनट में धूप भी तो आ जाती है और मिनट में बादल बन जाते हैं। अच्छा जी, हम सबसे पहले दरबार के लिए आए हैं, तो यहाँ पर नज़र पड़ी बच्चों की चेयर लिफ्ट पर। और जब मैं 16 साल पहले आई थी तो तब ये नहीं थी, 3 से 4 साल पहले ही ये चेयर लिफ्ट लगी है। हम जा रहे हैं जी अनमता खान, कुछ भी नहीं है, पकड़ दो जहाँ दिल करे फिर करो, कुछ भी नहीं है। अल्लाह बहुत पर अल्लाह छोड़ दे, खुद को डर लग रहा है। ऊपर से भी आवाजें आ रही हैं। हाँ, इनको टच नहीं करो, पता नहीं डिफरेंट होते हैं। ये जी आबादी है इधर और रियल लाइफ, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अच्छा, अभी हम ना चेयर लिफ्ट से उतरे हैं और अब हम ऊपर जाएंगे। इसको चेयर लिफ्ट तो नहीं कहेंगे, ये पूरा बॉक्स था बंद और हस्बैंड हमारे साथ नहीं आए हैं, उन्हें बहुत डर लग रहा था इसमें बैठने से। और मैंने उन्हें कहा कि यार जिएंगे साथ मरेंगे साथ, आपने हमारे बगैर जीकर क्या करना है अगर हमें कुछ हो गया तो। अनम, ये केले के दरख्त हैं सामने, केले प्यारे लग रहे हैं। और ये जो दरबार है ये है, अनम थोड़े से पीछे हो के बेटा, ये जो दरबार है ये है कि पोतों की है ना, दो पोते हैं ना ये जी, उनके दरबार है। यहाँ पे भी जाएंगे, यहाँ पे काफी मोर होते थे। हाँ जी, इधर ऊपर आ, ये किसकी दरबार है, ऊपर जाओ देख लो। मैं पौड़ियाँ इतनी नहीं चढ़ता, मैं बैठता हूँ। आप यहीं बैठे हमारे, ये देखा फिर का फिर फोन आ गया।
अच्छा जी, अब्बू हार्ट पेशेंट है तो इतने ज़्यादा ज़्यादा स्टेयर्स चढ़ नहीं सकते हैं, तो अब्बू को हमने वहीं पर बिठा दिया था कि आप फ़ोन पर गप्पे शप्पे मारें फ्रेंड्स से और हम ऊपर दरबार पर होकर आते हैं। अच्छा मैं बता देती हूँ कि ये दरबार किन की है। ये है जी दरबार हज़रत सखी सैयद फाजिल बगदादी हसनी हुसैनी मोरा वाली सरकार है इस दरबार का नाम, लेकिन आपको लोग इस दरबार को रोडियों वाली सरकार से भी जानते हैं, और मुकम्मल डिटेल्स मैं आपको आगे चल के देती हूँ। यहाँ कलर कहार में कटास राज नामी एक जगह है जहाँ पर मंदिर है और काफ़ी बुत होते थे वहाँ पर जब मैं पहले आई थी। और स्टोरी ये है कि काफ़ी अरसा पहले यहाँ पर जो कफ़ार होते थे, क्योंकि मंदिर थे तो यहाँ पर कफ़ार की तादाद भी ज़्यादा थी, तो यहाँ के मुसलमानों को उन्होंने सताया, तो यहाँ शेख अब्दुल कादिर जलानी शहनशाह बगदाद के दो पोते आए थे मुसलमानों की मदद के लिए, और आप जो हैं हज़रत सखी सैयद फाजिल बगदादी भी आपके साथ ही थे। और तो हज़रत सखी सैयद फाजिल बगदादी को मोरों वाली सरकार इसलिए कहा जाता है कि जब आप यहाँ पर आए थे तो आपके पास एक मोरों का एक जोड़ा था जिनकी नस्ल कसीर तादाद में आज भी कलर कहार के बागात में पाई जाती है। और मैं बता दूं कि यहाँ पर लोकाट के बागात बहुत ज़्यादा हैं और केलों के भी दरख्त काफ़ी ज़्यादा दिखने में आए हैं। और इसके बाद अब हम दूसरे दरबार पर चलेंगे, वहाँ पर मैं उनकी डिटेल्स आपको थोड़ी सी शेयर करूँगी जो कि मेरे इल्म में है, और वहाँ पर मैंने एक मन्नत भी मानी थी 16 साल पहले, वो आपको बताऊँ कि वहाँ चल के मैंने वहाँ पर कौन सी मन्नत मानी थी और अल्लाह ताला के करम से वो कबूल भी हो गई थी। इसके बाद मेरे जो हस्बैंड साहब हैं वो पहले तो हमारे साथ आने में थोड़ा डर रहे थे, पर वो बाद में आ गए थे क्योंकि उन्हें समझ आ गई थी कि मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जीना मरना साथ ही होता है हस्बैंड वाइफ का, अगर इन्हें कुछ हो गया, गिर गए ये लोग, तो मैंने जीकर क्या करना है। शायद बाद में उनके ना पल्ले पड़ गई थी बात, तो खैर वो भी आ गए थे। फिर यहाँ पर हमने कुछ दुआएँ मांगी फातिहा खानी की। अच्छा जी, दोनों दरबार में डिस्टेंस सिर्फ केबल कार का ही है, बस इतने ही करीब हैं दोनों दरबार। और ये जो दरबार जिसमें हम अब जा रहे हैं ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये दरबार है जी शहनशाह बगदाद हज़रत शेख अब्दुल कादिर जलानी के दो पोतों की, जिनका नाम है हज़रत सैयद सखी मोहम्मद याकूब और हज़रत सैयद मोहम्मद इसहाक। और यहाँ पर जब आप लोगों ने जंग लड़ी थी मुसलमानों की मदद के लिए आए थे, तो आपने जंग में जामे शहादत नोश किया था दोनों पोतों ने। और फिर काफ़ी अरसे के बाद बाबा फरीद का यहाँ से गुज़र हुआ, तो आप दोनों शहज़ादों को उन्होंने आहू बहू का लकब से नवाज़ा और फरमाया कि जिसने फैज़ पाना हो वो कलर कहार आ जाए, हर लम्हा हमारी निगाह कलर कहार पर है। और ये अब पहले से काफ़ी बड़ी दरबार बन गई है, और सामने से हमारा जो होटल है वो भी नज़र आ रहा था और काफ़ी लोग आए हुए थे। माशाल्लाह देखो कितना प्यारा लग रहा है, ठंडक ठंडक, अजाइब घर। अब वो कलर कहाँ रहा, अजाइब घर। अजाइब घर में क्या है? अरे ये देखो, ये देखिए सारा।
बीबी को। मैं कहती हूँ अजायब घर में, पता नहीं क्या होगा। अजायब घर में अनमता है। नहीं नहीं इसके हम कहाँ जा रहे हैं अब? तो चुप करके देख। आप झील पे ले आए हो? झील क्रॉस कर रहे हैं। हाँ झूले तो सारे खिला के जाऊंगी। सारे झूले लिए हैं हम लोग। बोटिंग भी नहीं करनी है? अच्छा ना ना बस चलो यहाँ कल आएंगे। तो जनाब अब हम लोग जा रहे हैं अबू के एक फ्रेंड के घर, वहाँ पर है हमारा नाइट डिनर। और ये जो दाएं बाएं आपको मार्केट नज़र आ रही है, ये है एक मशहूर झील के साथ। और यहाँ पर काफ़ी झूले भी हैं, अच्छी सी मार्केट भी है। और वन डे ट्रिप अगर रखना हो तो कलर कहार बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी झील है, पिकनिक पॉइंट्स हैं, वाटरफॉल भी है। अच्छा होटल्स के नाम कितने प्यारे हैं, कोहिनूर, कोसार होटल। ऐसे रखते थे ना, वादी सून है ना यार, ये उस हिसाब से रखते हैं। वादी सून है, वादी बोला वहाँ की, वो उस पहाड़ी पर, लेकिन चढ़ो तो पता पता जाता है। मुझे ऐसे लगा दूर से असली है, ये नकली है। अच्छा जी हम गए थे खैरपुर अबू के फ्रेंड के घर, और वहाँ पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन वापसी पर यहाँ से हम लेंगे चकवाल की मशहूर सौगात पहलवान रेवड़ी, जो ना सिर्फ इस शहर में शोहरत की हामिल है बल्कि पूरे पाकिस्तान में मशहूर होने की वजह से पूरे पाकिस्तान में ही सेल की जाती है। और ये मैं लेकर जाऊँगी चकवाल की सौगात गिफ्ट के तौर पर अपने प्यारों के लिए। वीडियो मेरी यहीं तक थी, पसंद है तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।